जनपद अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से ब्लड बैंक का लोकार्पण किया। इसी के तहत ही अब मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि इस नई सुविधा के शुरू होने से अब मेडिकल कॉलेज में प्लेटलेट्स, ब्लड कंपोनेंट्स और प्लाज्मा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। जानकारी के अनुसार इससे पहले मरीजों और उनके परिजनों को ब्लड और प्लेटलेट्स के लिए हल्द्वानी या अन्य बड़े अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब ब्लड बैंक की क्षमता 500 यूनिट तक की है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जिले में ही पर्याप्त रक्त और उससे संबंधित उत्पाद उपलब्ध हो। इसके तहत ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सीपी भोसुडा ने बताया कि इस सुविधा के कारण अब मरीजों को उपचार के लिए जिले के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। आज जो ये रक्तदान केंद्र का लोकार्पण हुआ है और वो सुविधा जनता को मिलने जा रही है, इसके लिए मैं इस पूरे अपने जिले की जनता का, आसपास के जो जिले हैं उनके लिए, उनकी जनता को विशेष रूप से धन्यवाद, बधाई भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपकी मांग के अनुसार प्रदेश सरकार ने, प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज इसका विधिवत अपने लोकार्पण किया है। लेकिन आज कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक स्थापित था और यहाँ पर मेडिकल हॉल, यहाँ से वहाँ की काफ़ी दूरी थी, कई बार ऐसा होता था कि मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराने में आने जाने में इतनी कठिनाई होती थी, तो उनकी मृत्यु हो जाती थी, कोई और परेशानी हो जाती थी, और मेरे द्वारा भी माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को कई बार कहा गया। तो आज पूरी जनता की, मेरी और ये मांग को आज यहाँ पर सरकार ने पूरा किया। मैं इसके लिए विशेष रूप से सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी जो कमियाँ हैं फैकल्टीज की हैं, रिफर सेंटर के रूप में है, जो व्यक्ति यहाँ पर ठीक हो सकता है, तो उसको भी यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल सुव्यवस्थित करने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक बड़े हर्ष की बात है कि आज जो है हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा जो है इसका जो है वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। एक ये अल्मोड़ा की जनता की बहुत लंबी मांग थी कि ब्लड बैंक ये है, आज जो है सभी के आशीर्वाद से जो है यहाँ पर जो है ब्लड बैंक की स्थापना हो गई है। अब जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों के किसी भी ज़िले में जो है होल ब्लड तो की तो सुविधा थी, पर इसके साथ साथ में होल ब्लड के साथ साथ में प्लेटलेट है, ब्लड कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा है, इन सब के लिए जो हल्द्वानी या बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, वो सारी सुविधाएं जो है अब यहाँ पे शुरू हो जाएंगी।